जब किसी हादसे में सैकड़ों लोग मारे जाए और उनमें से 300 से अधिक लोगों की लाश का पता ना चले, तो आप सोचिए वो हादसा कितनी भयानक होगी। ट्रेन जा रही होती है, मौसम खराब होता है, बारिश होती है, ट्रेन के अंदर लोग बैठे होते हैं, बातें करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई मूंगफली खाता है, कोई अपने मन पसंद की पुस्तकें पढ़ता है, कोई नींद लेता है, और कभी अचानक ड्राइवर ब्रेक लेता है और उस ट्रेन की 9 में से 7 बोगियां पुल को तोड़ती हुई नदी में समा जाती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यह घटना 6 जून 1981 ईस्वी की है, जब ट्रेन मनसी से सहरसा जा रही थी और तभी बागमती पुल पर अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लिया और उस ट्रेन की 7 बोगियां पुल को तोड़ती हुई नदी में समा जाती है। लोग चीखते हैं, पुकारते हैं, मगर कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता है, और जब लोग पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, कई लोग मारे जाते हैं। सरकार यह कहती है कि इस हादसे में 500 लोग मारे गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने यह बताया कि इसमें कम से कम 1000 से 2000 लोग मारे गए हैं। उस साल 1981 में कुछ महीनों में ही 526 से भी अधिक घटनाएं घटी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लोग डरते हैं कि कैसे वो यात्रा करेंगे, इसलिए हम जब भी यात्रा करें तो हम सावधान रहें। उस घटना में जब गोताखोरों ने गोताखोरी करके लाशें निकाली तो वो कम से कम 280 के आसपास लाशें निकाल पाए और 300 से अधिक लाशें वह नहीं निकाल पाए। लेकिन इनसे भी अधिक बुरी बात यह थी कि आखिर वो लाशें गई तो गई कहाँ। दोस्तों, एक जानवर को बचाने के लिए जिस तरह से ड्राइवर ने इंसानी जानों को मुश्किल में डाल दिया, या यूं कहें कि मरने को छोड़ दिया, ये किसी भी तरह उचित नहीं है। पहले हमें इंसानों को बचाना है, जानवरों से प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन इंसान की कीमत पर नहीं, इंसान की जान की कीमत पर नहीं। अगर इंसान बचेंगे तो सब कोई बच पाएगा। दोस्तों, ये थी एक जानकारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपना कॉमेंट दें, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 20। थैंक यू।